हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज क्या है? आज है भाई दूज। जी हाँ, आज है भाई बहन का त्यौहार भाई दूज। तो आप सभी के भाइयों को और साथ में मेरे भाई को भी भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जो भगवान जी हैं वो सबके भाइयों की और साथ में मेरे भाई की भी हमेशा रक्षा करें, हमेशा उन्हें सही सलामत रखें। तो भाई दूज का जो स्पेशल डिश है वो मैं उसकी रेसिपी अभी मैं डालूंगी। तो हमारे यहाँ पे भाई दूज पर स्पेशली बनता है जो स्पेशल डिश है जो हर साल बनता है, तो उसे बोलते हैं सेल रोटी। तो जो सेल रोटी होता है वैसे तो वो कभी भी आप बना सकते हो, लेकिन भाई दूज के टाइम पे स्पेशली वो बनता ही है। हर घर पर मैक्सिमम हर घर में वो बनेगा ही बनेगा। तो जो भाई है उसको हम स्पेशल उसको खिलाते हैं, बाद में जब भेजते हैं तो उस घर पर भी भेजा जाता है। तो सेल रोटी और साथ में मैंने फीनी भी बनाई है। फीनी भी एक डिश होती है, तो वो जैसे वो भी स्वीट डिश ही है। तो वो दोनों को मैंने बनाया है और उस दोनों की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो दोनों जो रेसिपी है वो मैंने कल ही बना ली थी, क्योंकि आज का दिन आपको पता ही है कि बहुत बिजी रहता है। आज के दिन पे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, एक तो स्टार्टिंग से सुबह से ही बच्चों के साथ। तो फिर मैंने वो दोनों डिश कल ही बना ली थी। वैसे मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो एक दिन पहले ही बना लेते हैं, क्योंकि आज टाइम पे नहीं मिलता। तो दोनों डिश मैंने कल बना ली थी। तो बताइएगा जरूर कि कैसा लगा मेरा डिश। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े से बर्तन में 2 किलो मैदा, 1 किलो चावल का आटा और आधा किलो सूजी को ले लिया है। अब इसके बाद हमने इसमें डालना है थोड़ी सी इलायची और अच्छे तरह से कूट के। उसके बाद हमने इसमें डालना है थोड़ा सा सौंफ और फिर हमें डालना है आधी कटोरी देसी घी को अच्छे से पिघलने के बाद। अब इस सारे मिश्रण को बहुत अच्छे से मिला लेना है और पानी तो इसमें बाद में डालना है, उससे पहले इसको बहुत अच्छे से रब करना है। अब इसमें धीरे धीरे पानी डालना है और इसका एक अच्छा सा घोल बनाना है। घोल ऐसा होना चाहिए जो ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही ज़्यादा पतला हो। याद रखिएगा पानी बहुत धीरे धीरे डालना है, एकदम से पानी नहीं डालना है। तो देखिए बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है और अब हमने इस बैटर को लगभग 1 घंटे तक भिगो के ऐसे ही रखना है। इसके बाद हम इसमें डालना है बेकिंग पाउडर 1 चम्मच और उसको चला देना है बहुत अच्छी तरह से। तो मैं यहाँ पे जला रही हूँ भट्टी, क्योंकि सेल रोटी बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो मैंने सोचा क्यों ना बैठकर बनाया जाए। तो मैंने भट्टी जला ली है और उस पर रख लिया है ये बड़ी सी ताई और बैठने के लिए रख लिया है अपने लिए बूढ़ा। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ रिफाइन का, और इतनी आज के सेल रोटी में कम से कम 1 पैकेट रिफाइंड पूरा लग जाएगा। तो मैं डाल रही हूँ उसमें पूरा 1 पैकेट तेल रिफाइन का। तो अभी सेल रोटी को बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इस प्लास्टिक के बॉटल का फ्रंट वाला हिस्सा, तो ये एक तरह का जुगाड़ है। अब हमने इस बॉटल के टुकड़े में बैटर को डालना है और इस तरह से राउंड राउंड करके गरम गरम तेल पर इसको छोड़ना है। तो लीजिए ये तैयार हो गए हैं हमारे सेल रोटी गर्मा गर्म। तो भाई दूज पे मैं यहाँ पे सबसे पहले कर रही हूँ अपने द्वार का पूजन, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये परंपरा है कि जब भी भाई दूज है आता है तो सबसे पहले द्वार को पूजा जाता है, ताकि इस द्वार से हमेशा खुशी और सुख संपत्ति आती रहे। तो ये है भाई दूज की थाली और यहाँ पे मेरी बेटी अपने भाई का कर रही है पूजन और लगा रही है उसका भाई दूज का टीका।
फॉलो कर रही हैं अपने भाई का टीका। कभी कभी ये दोनों इतना जिद करते हैं ना, एक कहती है कि मम्मा मुझे आपके पास सोना है, अनु बोलती है आपके साथ सोना है, आप बोलती है आपके साथ सोना है, और मैं इतनी कंफ्यूज जाती हूँ कि मैं किसके साथ सोऊं, तो मुझे इस तरह से बीच में कई बार सोना पड़ता है, एक को इधर और एक को इधर और मैं बीच में और राशि मम्मी के साथ। तो आज मनाया हमने भाई दूज का त्यौहार और सारा मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। तो जैसे जैसे हमारे यहाँ पे मनाया जाता है वैसे वैसे मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया। हाँ, मैं लंच शेयर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत बिजी हो गई थी और वीडियो बनाने का मुझे टाइम नहीं मिला। गेस्ट भी आ गए थे तो इस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया मुझे वीडियो बनाने का, तो इसलिए आपके हाथ लंच शेयर नहीं कर पाई। बट आज का दिन हमने बहुत इन्जॉय किया और यही होता है एक दुनिया के हर रिश्ते एक तरफ और भाई बहन का रिश्ता एक तरफ, कि क्योंकि बचपन में जितनी लड़ाइयाँ होती है ना, इतने रिश्ते में किसी रिश्ते में लड़ाई नहीं होती जितने भाई बहन के बीच में लड़ाई होती है। लेकिन जितना प्यार एक भाई बहन के बीच में होता ना, उतना प्यार भी किसी के बीच में नहीं होता। तो यही एक रिश्ता होता है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूले और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जो नए हैं। और तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।